हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज साकेत लिटोरिया और आज हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, मीन रेनफॉल ओवर अ कैचमेंट एरिया। क्लियर? प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डेटा को समझा था, तो जिन्होंने भी यह लेक्चर को नहीं देखा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट के प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, मीन रेनफॉल ओवर अ कैचमेंट एरिया। क्लियर? तो आपको एक कैचमेंट एरिया दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक कैचमेंट एरिया है, तो सबसे पहले हम इस कैचमेंट एरिया को क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मैंने यहाँ पे चार पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर? फिर ईच पार्ट में आप रेन गेज को क्या करोगे, इंस्टॉल्ड करोगे। क्लियर? यूनिफॉर्मली हमको रेन गेज को इंस्टॉल्ड करना पड़ेगा, जिससे आप पूरे के पूरे कैचमेंट एरिया का क्या कर सको, रेनफॉल कलेक्ट कर सको। क्लियर? तो ये आपका स्टेशन वन, स्टेशन टू, स्टेशन थ्री एंड स्टेशन फोर। क्लियर? अब आपको भी पता है कि स्टेशन वन पर जो रेन कैच हुई होगी इस स्टेशन के द्वारा, यहां पे हमने रेन गेज इंस्टॉल्ड किया हुआ है, तो उसने रेन को क्या किया होगा, कैच किया होगा, कलेक्ट किया होगा। तो इस पे जो कलेक्शन हुआ है रेनफॉल का, वो स्टेशन टू, थ्री और फोर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अलग होगा। टू पर कुछ अलग आपका रेनफॉल कलेक्ट हुआ होगा, थ्री पर आपका कुछ अलग हुआ होगा एंड फोर पर कुछ अलग हुआ होगा सेम कैचमेंट एरिया पे। क्लियर? अब आपको यहां पे क्या करना है, रेनफॉल बताना है कि कितना रेनफॉल हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों स्टेशंस का क्या निकालेंगे, रेनफॉल का एवरेज निकालेंगे, जो आपको इस एंटायर कैचमेंट एरिया का क्या बताएगा, एक मीन रेनफॉल बताएगा। क्लियर? तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब मीन रेनफॉल को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहां पे हम कुछ मेथड्स का यूज करके मीन रेनफॉल की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आपकी मेथड्स लिखी हुई है, फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। सबसे पहले आप यूज करते हो यहां पे अर्थमेटिकल मीन मेथड, और अर्थमेटिकल मीन मेथड हम एक बार और पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, कि जब हमने क्या किया था, रेनफॉल डेटा जब हमने क्या किया था, प्रिपेयर किया था, उस टाइम हमने अर्थमेटिकल मीन मेथड का यूज किया था। क्लियर? अब प्रिपेयर में भी हमने क्या किया था, कि मुझे कंटिन्यूटी को चेक करना है। क्लियर? क्या करना है, कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो कंटिन्यू जो आपका डेटा मिसिंग हो रहा था, जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी अकर्स हुई थी, वहां पर हमने अर्थमेटिकल मीन मेथड का यूज किया था। सेम वैसे ही हम यहां पे मीन रेनफॉल को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपका यहां पे क्या है, थिसेंस मीन मेथड। क्लियर? सेकंड मेथड हम मीन रेनफॉल का कौन सा, मीन रेनफॉल कैलकुलेशन के लिए कौन सी यूज करने वाले हैं, थिसेंस मीन मेथड। नेक्स्ट आपकी होती है थर्ड, दैट इज आइसोहाइड्रल मेथड। क्लियर? तो ये तीन मेथड्स हैं जिससे आप मीन रेनफॉल की कैलकुलेशन करोगे। ठीक है? तो एक एक करके हम सारी मेथड्स को समझते हैं कि आपको किस बेसिस पर कैसे आपको मीन रेनफॉल को कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट हमारा है अर्थमेटिकल मीन मेथड, इसको हम डिटेल में समझते हैं। क्या करना है, आपके पास एक पूरा का पूरा क्या दिया गया, कैचमेंट दिया गया। इसको सबसे पहले क्या किया हमने, पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्लियर? और पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है और ईच पार्ट में हमने रेन गेज स्टेशन को बनाया है। क्लियर? यहां पे हमने रेन गेज को क्या किया, इंस्टॉल्ड किया है। ठीक है? तो स्टेशन वन, टू, थ्री, फोर, इस स्टेशन के रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा, इसने भी रेन को कैच किया होगा, डेट इज पी वन, इसने कोई पी वन रेन को कैच किया है, यहां पे P2 रेन कैच हुई है, डेट इज P3 एंड P4। क्लियर? तो एट स्टेशन वन आपका P1 प्रेसिपिटेशन है, स्टेशन टू पर P2, स्टेशन थ्री पर P3 एंड स्टेशन फोर पर P4 आपका प्रेसिपिटेशन है। अर्थमेटिकल मीन मेथड क्या बोलती है आपको, कि जितना भी अमाउंट ऑफ यहां पे आपका रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, उसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एवरेज फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो क्या होगा आपका, पी एवरेज, डेट इज पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस डॉट 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 पी एन डिवाइड बाई एन। क्लियर? ये आपका एवरेज हो गया। इसको हम पहले भी समझ चुके थे जब हमने
मिसिंग डेटा को कैलकुलेट किया था स्टेशन पर, क्लियर। तो यहाँ पे जो पीएम आपका होता है ये क्या होता है, मीन प्रेसिपिटेशन होता है। P1, P2, P3, P4 एंड PN ये क्या है, रिस्पेक्टिव प्रेसिपिटेशन है एट स्टेशन 1, 2, 3, 4 और N। आप कितनी भी स्टेशन, आपका बहुत ज्यादा कैचमेंट एरिया है तो आप यहाँ पे स्टेशन ज्यादा बना सकते हो, क्लियर। और स्मॉल N जो आपका यहाँ पे है, डेट इज टोटल नंबर ऑफ स्टेशन, ठीक है। स्मॉल N क्या रहेगा आपका, टोटल नंबर ऑफ स्टेशन। जो अर्थमेटिकल मीन मेथड है, एक सिंपल तरीके से आपने क्या कर लिया है, यहाँ पे मीन रेनफॉल को फाइंड आउट कर लिया है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल मेथड है एज कंपेयर टू थिसिंस पॉलीगॉन एंड आइसोहेड्रल मेथड। आप इजीली क्या कर सकते हो, मीन रेनफॉल को फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर। सेकंड चीज क्या है कि यह मेथड तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगी जब ओवर द कैचमेंट एरिया आपने जो स्टेशन को प्लॉट किया है, स्टेशन को इंस्टॉल्ड किया है, वो कैसी हो, यूनिफॉर्मली हो, और इन पर जो रेन कैच हुआ है, जो प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड हुआ है, उसमें ज्यादा डिफरेंस ना हो, क्लियर। ज्यादा अगर डिफरेंस यहां पे आया, जैसे फॉर एग्जांपल P1, P2, P3 एंड P4 में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कहीं स्टेशन 1 पे बहुत ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया और स्टेशन 2 पे बहुत कम रेनफॉल को रिकॉर्ड किया गया, क्लियर। तो अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है, देन ये वाली जो मेथड आपकी होती है, इसमें क्या आना चालू हो जाती है, लार्ज एरर आना चालू हो जाती है, क्लियर। तो अगर डिफरेंस ज्यादा है रेनफॉल रेट में, देन यह क्वाइट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको नहीं प्रोवाइड करेगी, क्लियर। सेकंड चीज, आप इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि अर्थमेटिकल मीन मेथड जो आपकी होती है, यह सिर्फ होमोजीनियस क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, क्लियर। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि हेंस फॉर होमोजीनियस क्लाइमेटिक कंडीशन This method most suitable, क्लियर। तो homogeneous condition आपकी होना बहुत जरूरी है। Second चीज, इसका एक disadvantage है कि जो आपका ये क्या बना हुआ, catchment बना हुआ, ये क्या है आपके catchment की boundary है, क्लियर। तो catchment की boundary के अंदर जितने भी station आपके installed होंगे, सिर्फ उसी को यह क्या करने वाला है, mean rainfall में consider करेगा। Outside the boundary अगर कोई सा आपका station बना हुआ है तो वह इसको account नहीं करेगा, क्लियर। तो be only consider the rain gauge those are located inside the catchment area, क्लियर। तो जो आपके रेन गेज कैचमेंट के अंदर होंगे उसको ही है क्या करेगा, उसके प्रेसिपिटेशन को ही काउंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थिसेंस पॉलीगॉन मेथड। तो नेक्स्ट हमारी मेथड है थिसेंस मीन मेथड। इससे पहले हमने अर्थमेटिकल मींस मेथड को समझ लिया है, ठीक है। तो थिसेंस मेथड में आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, कैचमेंट एरिया है, क्लियर। कैचमेंट एरिया पे आपने क्या किया है, स्टेशंस को मार्क करके रखा हुआ है, क्लियर। तो सबसे पहले यहां पे क्या प्रोसीजर होगी आपकी कि जितनी भी आपकी स्टेशंस हैं, इन स्टेशंस को वाई द स्ट्रेट लाइन आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, क्लियर। तो स्टेशन 1 एंड 2 वाई द स्ट्रेट लाइन हमने क्या कर दी है, कनेक्ट कर दी है। देन स्टेशन 2 एंड 3 वाई द स्ट्रेट लाइन आपकी कनेक्ट हुई है, 3 to 4 and 4 to 1, क्लियर। तो थिसेंस मीन मेथड में जितनी आपकी स्टेशंस हैं उसको बाय द स्ट्रेट लाइन आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। प्रोसीजर मैंने यहां पे लिख दी है, तो आप चाहो तो यहां से नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और मैं इसको वर्बली आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो इन दिस मेथड ईच स्टेशन आर ज्वाइन बाय स्ट्रेट लाइन, क्लियर। तो सारी स्टेशंस को हमने स्ट्रेट लाइन से क्या किया है, ज्वाइन किया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अब जो एंटायर आपका कैचमेंट एरिया है, इसको आपको सीरीज ऑफ ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो अपन सबसे बड़ा ट्रायंगल यहां पे बना लेते हैं बाय द डायगोनल कनेक्शन। तो स्टेशन 2 एंड 4 को मैंने यहां पे क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। आप 1 और 3 को भी यहां पे जोड़कर इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या हो गया, यहां पे हमने ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट जितनी भी आपकी यहां पे स्ट्रेट लाइंस हैं, इससे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर वाई सेक्टर को इरेक्ट करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर वाई सेक्टर। अब जो परपेंडिकुलर वाई सेक्टर आपका यहां पे इरेक्ट होने वाला है, वो हमेशा कहां से होगा, मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्लियर। तो फॉर एग्जांपल ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट होगा, किस किस का, मिड पॉइंट ऑफ स्टेशन 1 एंड स्टेशन 2। ऐसे ही आपका किसका आएगा, 2 एंड 3 का, 3 एंड 4 का मिड पॉइंट आएगा और 4 एंड 1 का मिड पॉइंट आएगा, क्लियर। तो यहां से आप परपेंडिकुलर वाई सेक्टर खींचोगे,
नेक्स्ट वन एंड फोर स्टेशन का मिड पॉइंट आया, यहां से आपने क्या खींचा है, परपेंडिकुलर वाई सेक्टर। नेक्स्ट टू एंड थ्री का मिड पॉइंट, यहां से परपेंडिकुलर वाई सेक्टर आया आपका। और ऐसे ही फोर एंड थ्री से आपने क्या खींचा है, परपेंडिकुलर वाई सेक्टर खींचा है। नेक्स्ट जो टू एंड फोर को आपको कनेक्ट कर रही है स्ट्रेट लाइन, इसका ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर वाई सेक्टर। देन आपने एंटायर कैचमेंट एरिया को किस में कन्वर्ट कर दिया, सीरीज ऑफ द पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट यहां पे क्या लिखा, परपेंडिकुलर वाई सेक्टर आर इरेक्टेड ऑन ईच ऑफ दीज लाइन दस फॉर्मिंग सीरीज ऑफ पॉलीगॉन्स। क्लियर, वो पॉलीगॉन की सीरीज को क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट ईच पॉलीगॉन, अब आपके जितने भी पॉलीगॉन्स यहां पे बने हैं, इसमें एक जो पॉलीगॉन होगा वो एक रेनफॉल स्टेशन को ही, एक रेनगेज स्टेशन ही इस पर क्या होगी, इंस्टॉल्ड होगी। क्लियर, लेकिन थिसेंस मीन मेथड ने क्या किया है कि एक अजम्पशन लिया है कि जो एंटायर एरिया है, जो पॉलीगॉन्स अपन ने क्या किया है, पॉलीगॉन्स के अंदर जो आपका एंटायर एरिया है यह क्या है, नियरर टू द स्टेशन है। ठीक, नेक्स्ट तो पॉलीगॉन्स का ये क्या हो जाएगा आपका, एरिया ए वन फॉर इस स्टेशन ए वन के लिए, टू के लिए ए टू, नेक्स्ट ए फोर और डेट इज ए थ्री। क्लियर, तो ये आपके पॉलीगॉन्स के क्या आ गए हैं, एरिया आ गए हैं जो कहां पर है, क्लोज टू द स्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहां पे अब आपको बोलूं कि अगर मीन रेनफॉल आपका पीएम है और टोटल कैचमेंट एरिया आपका क्या है, ए है, देन मेन रेनफॉल ओवर द कैचमेंट एरिया पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी वन इंटू ए वन प्लस पी टू इंटू ए टू प्लस पी थ्री इंटू ए थ्री प्लस पी एन इंटू ए एन डिवाइड बाई टोटल कैचमेंट एरिया। क्लियर, तो ये आपका ओवर द एंटायर कैचमेंट एरिया आपका क्या निकल गया है, मीन रेनफॉल फाइंड आउट हो गया है। क्लियर, अब इस मेथड का एक एडवांटेज है कि अर्थमेटिकल मीन मेथड जो आपकी थी वो सिर्फ इनसाइड बाउंड्री आपके रेनगेज स्टेशन को ही काउंट कर रही थी, ये है इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड बाउंड्री रेनगेज स्टेशन को क्या करती है, कंसिडर करती है। नेक्स्ट अगर आपका एरिया कैसा है, अंडुलेटेड एरिया है, तो अंडुलेटेड एरिया होगा तो यह है एलिवेशन के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करती है, देन थिसेंस मीन मेथड आपकी जो होगी यह सिर्फ किसके लिए होगी, आपकी प्लेन एरिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज अभी मैंने क्या बोला, इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही रेनगेज स्टेशन को यह कंसीडर करती है, मतलब जो रेनगेज स्टेशंस का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपका हुआ है इसके इफेक्ट को भी ये क्या कर रही है, कंसीडर कर रही है। तो ये आपके यहां पे एडवांटेज है, डिसएडवांटेज एक ही इसका है कि यह एलिवेशन के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करती है। देन हम नेक्स्ट मेथड को अब डिस्कस करेंगे, दैट इज आइसोहेड्रल मेथड। तो नेक्स्ट आइसोहाइट मेथड में हम क्या करने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ आइसोहाइट्स। क्लियर, आइसोहाइट्स की हेल्प से हम यहां पर रेनफॉल डेटा को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, तो व्हाट इज द आइसोहाइट्स, आइसोहाइट्स आपका क्या होता है, तो आइसोहाइट्स आर द कंटूर्स, ये क्या है, कंट्यूर्स हैं जो इक्वल रेनफॉल एलिवेशन को क्या करता है, जोड़ता है। क्लियर, तो ये क्या होगा आपका, एक इमेजिनरी लाइन है जो इक्वल रेनफॉल डेटा को क्या करता है, जोड़ता है, उसको हम आइसोहाइट्स बोलते हैं। क्लियर, अब वाई टेकिंग रेनफॉल डेटा, हम कैसे रेनफॉल डेटा को लेंगे, तो वाई टेकिंग रेनफॉल डेटा एट वेरियस स्टेशन, अलग अलग स्टेशन पे हमने रेनफॉल डेटा को क्या कर लिया है, काउंट कर लिया है, देन वी ड्रॉ द आइसोहाइट। जैसे ही हमने रेनफॉल डेटा को काउंट किया, हम क्या करेंगे, आइसोहाइट्स को ड्रॉ करेंगे और उसमें हम टोपोग्राफिक इंफ्लुएंस को भी क्या करेंगे, कंसीडर, मतलब जो थिसेंस मीन मेथड में ड्रॉबैक आपका था, ड्रॉबैक क्या था आपका, कि एलिवेशन का इफेक्ट यहां पे कंसीडर नहीं हो रहा था, यह टोपोग्राफिक इंफ्लुएंस को भी कंसीडर कर रहा है, मतलब इफेक्ट ऑफ एलिवेशन को यहां पे कंसीडर किया गया है, इसलिए जो आइसोहाइट्स मेथड आपकी होती है यह कैसी होती है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन रेनफॉल ओवर आ कैचमेंट एरिया। क्लियर, अब विद द हेल्प ऑफ आइसोहाइट्रल मेथड आप मीन रेनफॉल को कैसे कैलकुलेट करोगे, देखते हैं। तो ये आपका फॉर एग्जांपल क्या है, स्टॉर्म सेंटर है, ठीक है, और यहां पर आपने ये आइसोहाइट्स को क्या करके रखा हुआ है, ड्रॉ करके रखा हुआ है। क्लियर, ये आपके क्या है, आइसोहाइट्स है, ठीक है,
क्लियर, ये आपके क्या है आइसोहाइट्स है, क्लियर। तो एरिया बिटवीन टू आइसोहाइट्स, आइसोहाइट्स के बीच का यहां पे आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्लेनीमीटर। क्या होता है प्लेनीमीटर, तो विद द हेल्प ऑफ प्लेनीमीटर आप टू आइसोहाइट्स के बीच का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पे जैसे एरिया है आपका ए वन ए टू एंड ए थ्री, ऐसे ही आगे अगर आपने और आइसोहाइट्स ड्रॉ किया है दैट इज ई एन, क्लियर। और एक ईच आइसोहाइट्स पर आपका क्या होगा दैट इज प्रेसिपिटेशन पी वन पी टू पी थ्री एंड पी फोर, क्लियर। ये आपका क्या हो गया प्रेसिपिटेशन, जो रेनफॉल डेटा अपन ने लिया है, क्लियर, अलग अलग स्टेशन पर उस पर हमने क्या किया है आइसोहाइट्स को ड्रॉ किया है। देन अब इसके बेसिस पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको यहां पे निकालना है मीन रेनफॉल ओवर द एंटायर कैचमेंट एरिया। वो कैसे निकलेगा दैट इज पी वन प्लस पी टू डिवाइड बाई टू, इन दोनों का हमने क्या लिया है एवरेज लिया है और मल्टीप्लाई कर दिया इनके बीच के एरिया से, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा प्लस पी टू प्लस पी थ्री डिवाइड बाई टू इंटू ए टू, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या आएगा यहां पे पी थ्री प्लस पी फोर डिवाइड बाई टू इंटू ए थ्री, और अगर आगे ऐसे कंटिन्यू आपके आइसोहाइट्स चल रहे हैं देन हम कंटिन्यू इस सीरीज को करेंगे। और डिवाइड बाई क्या होना है आपका टोटल एरिया होना है, तो टोटल एरिया ऑफ द कैचमेंट क्या होगा आपका, तो टोटल एरिया ऑफ कैचमेंट ए इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, क्लियर। ये आपका टोटल एरिया हो गया यहाँ पे कैचमेंट का, इससे हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपने मीन रेनफॉल को कैलकुलेट कर लिया है, क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस टाइप के आपके आएंगे एग्जाम में, तो उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।